हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? फाइन, वेलकम टू डॉट डॉक्टर वंस अगेन। तो इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ मैं, जिसमें आपका था मैनेजमेंट करने के लिए एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा आप दिखाएं कि जिससे हम अपने फ़ोन की जो स्टोरेज है उसको बढ़ा सकें। स्टोरेज मैनेजमेंट के ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए, और इसीलिए वीडियो आया। अगर आप नए चैनल पर तो भी सब्सक्राइब करें, चैनल लेके आते हैं ट्रांसलेट इन्फॉर्मेशन एंड टेक, जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज की, कैसे हम अपने स्टोरेज को, एक टिप, एक डिवाइस है मेरे पास जिसकी हेल्प से आप अपने, चाहे आपका फ़ोन 32 GB का है, 16 GB का है, 64 का है, 128 का है, उसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एंड्रॉयड फ़ोन ओनली। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन को देखना और प्रोडक्ट को देखना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं आज बताने वाला हूँ, एक नया सैंडिस्क का प्रोडक्ट आया है मेरे पास। इसकी अनबॉक्सिंग पहले आप देख लें, जिसने ये प्रोडक्ट लेना है, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है अगर आप अपने स्टोरेज से परेशान हैं। सबसे पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग देखें। देखिए, जैसे आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, एंड दिस प्रोडक्ट का मैंने लिंक जो है मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन चेक दैट एंड बाय दैट ऑल्सो। और मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, मेरा ये फ़ोन 64 GB का है, मैं अगर 64 GB को देखा जाए तो काफ़ी कम माना जाता है। तो उसी लिहाज से मैं एक तलाश में था कि कोई प्रोडक्ट मुझे मिले जिसकी हेल्प से मैं अपना ये जो दिक्कत है स्टोरेज की वो कम कर सकूँ। तो ये प्रोडक्ट मैं लाया हूँ, ये मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है, ये काफ़ी वेरिएबिलिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शन में आता है। और जो मेरे पास वर्जन है ये है 32 GB वाला वर्जन, इसमें 64 GB भी आता है, 128 GB भी आता है। और ख़ास बात इसमें ये है फ्रेंड्स कि ये दोनों तरफ से इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इस तरफ घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टाइप सी खुल जाता है। तो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं जो टाइप सी को सपोर्ट करते हैं चार्जिंग के लिए, नीचे से पोर्ट, उस पर ये आराम से नीचे से लग जाएगा लाइक दिस, और बहुत इजीली फ़ोन इसको डिटेक्ट कर लेता है। और फिर आप अपने फ़ोन का बैकअप USB में जाके, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है, सेटिंग में जाके, USB ऑप्शन में जाके, एक्सटर्नल डिवाइस में जाके बैकअप ले सकते हैं अपने पूरे फ़ोन का, और जितनी भी फ़ोटो, जितनी भी वीडियो, जितनी भी जो भी कुछ आपने, वो ऑप्शन आती है जो जो आपने इसमें डालना है वो आप डाल सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी है 3.1 USB, इसका एडवांटेज ये है कि काफ़ी फास्टली, सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, तो बहुत फास्ट स्पीड मानी जाती है ये। अगर आप कोई ऑर्डिनरी USB इसमें पहले भी आते थे, लेकिन ये खास बात इसमें यही है कि ये 3.1 को सपोर्ट करता है, इसमें टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, एंड इसकी वजह से आपको काफ़ी फास्ट डाटा स्पीड ट्रांसफ़र मिलती है, और ये 10 मिनट में आपके फोटोज़ वीडियोज़ को इसमें डाल देगा। आप इसमें डालने के बाद फ़ायदा क्या है, इसके बाद ये 2-in-1 है, इसका ये टाइप सी पोर्ट आप बंद करें, और दूसरी तरफ से आप नॉर्मल USB की तरह, इसको पेनड्राइव की तरह, अब आप अपने इस बैकअप को अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं, और वहाँ पर भी डाटा स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि USB 3.1 है। पर एक चीज़ आपको बताऊँ, कंप्यूटर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें USB 3.1 के पोर्ट्स होने चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने ये तो लेटेस्ट ले लिया, लेकिन आपके कंप्यूटर पुराना है जिसमें USB 2.0 वाले पोर्ट्स लगे हुए हैं, उसमें आपको ऐसी स्पीड नहीं मिलेगी, टाइप सी में आपको मिल जाएगी। मतलब यहाँ से इसमें चला गया सामान बहुत तेज़ी से, दैट्स फाइन, लेकिन आप उतनी ही तेज़ी से, अगर आप चाहते हैं कि वो सामान आपका, वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ उतनी ही तेज़ी से आपके कंप्यूटर में भी जाएँ,
तो कंप्यूटर में वो पोर्ट्स होने चाहिए। अगर कंप्यूटर में आजकल जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, उसमें 3.0 पोर्ट आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई खास बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, इट्स कॉमन थिंग। तो फिर बस जस्ट आपको उसमें डालना है और उसी स्पीड से, जिस स्पीड से आप, उससे इवन फास्टर स्पीड से वो आपके कंप्यूटर में वो चले जाएंगे। तो आप बेधड़क जितनी मर्जी फोटोज वीडियोस निकालें, चाहे आपका 32 GB का फ़ोन है, 64 GB का फ़ोन है, जस्ट आपने इसको सी ड्राइव इसका यहाँ से खोल के अपने यहाँ पर लगाना है एंड आपने बैकअप ले लेना है। तो जिसको ये डिवाइस लेनी है, प्लीज़ आप नीचे लिंक मैंने दे दिया, एग्जैक्टली जो मैंने ले रखी है वही 32 GB, आई थिंक मोर देन एनफ है, 64 इधर मिल रहा है, 32 की मैंने ले लिया। अगर थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज आपको चाहिए तो उसमें आपका थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस। सैनडिस्क काफ़ी अच्छा ब्रांड है स्टोरेज डिवाइसेस को लेके, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड दिस इज़ द स्टोरेज मैनेजमेंट। और एक क्वेश्चन था कि 32 GB को 64 GB कैसे बना सकते हैं, तो ये है सोल्यूशन। 32 को चाहे 64 बनाएं, 32 को चाहे 128 बनाएं, 32 को 256 बनाएं, बस आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। बाकी फ़ोन के अंदर कभी भी आप इस तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं इंटरनली। इंटरनली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट एक्सटर्नली इट इज़ पॉसिबल, एंड नाउ इट इज़ पॉसिबल विद गुड अमाउंट ऑफ स्पीड। तो यही उद्देश्य था इस वीडियो का, एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट यू शुड बाय। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट, और खुद यूज़ कर चुका हूँ, हफ्ता मुझे हो चुका है, इसलिए मैंने डिले डाला इस वीडियो को रिलीज़ करने में, क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो इसकी डाटा स्पीड और सब कुछ मैं टेस्ट कर चुका हूँ, एंड वेरी गुड पेन ड्राइव। कम योर OTG डिवाइस फॉर योर फोन सो दैट यू कैन टेक बैकअप, अपने फ़ोन का बैकअप इसमें डालने के लिए, फोटोज़ वीडियोज़ कोई भी फाइल है इसमें आ जाएगी, और अपना फ़ोन फिर खाली रखें, और इससे आपका फ़ोन भी फास्ट रहेगा जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, उसमें ज़रूर लिखें, तो डिस्कशन हो जाता है, और उसके बाद मेरे को थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि आप किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह का वीडियो चाहते हैं फ्यूचर में। तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक कर दें, ज़रूर लाइक तो बनता है यार, अब तक यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं। एंड इफ़ यू आर माई रेगुलर सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेयर अगेन। तो वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का, थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड जय माता दी, नवरात्र शुरू हो गया है, जय।